ज्वाइन कर लिया सेशन. हे किड्स, गुड मॉर्निंग. कम ऑन, से अ हाय, गिव मी अ योर, लाइक आनंद सर सेज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यस, कम ऑन गाइस, हाउ आर यू डूइंग एवरीबॉडी. आई एम सीइंग योर चैट्स हियर, गुड मॉर्निंग. I'm seeing your chats there. Good morning, guys. Hi. So let's start today's super amazing, super cool lecture. Welcome to Molecular Basis of Inheritance and the most important topic, that is translation, from where 100% questions are going to come. Yes? Hey, Kishan, cute angel, Ria, Shitanshu, Arisha, Abhishek, Rachna, so many of you, good morning. Once again, let's start the second most important class of the day, that is translation. And in today's class, I'm also going to be doing a doubt window, which is live. So good morning, welcome to the class. I hope you have a great and a fabulous time learning and studying with no other than VBiotonic. Yes, chaliye. So start karein aaj ki super cool class. Yes, batao, start kare. Chalo, so translation start karte hain. Kal maine aapko bahut sare mind maps banwaye the. Kal se kafi zyada mind maps main aapko aaj banwane wali hu. Ek bar dekh lete hain, sare bacche aa chuke hain. Perfect, 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 perfect. Sare bacche baith chuke hain. To chalo start karte hain translation. Translation ek aisa topic hai jispe main aaj aapko mentee quiz bhi karwane wali hu. I am aware genetics ka overdose ho chuka hai. Aapko lag raha hai bahut genetics pad liya. Ma'am regular classes mein bhi genetics padha rahi hai. मैम वेबिनार में भी जेनेटिक्स पढ़ा रही है और मैम यूट्यूब में भी जेनेटिक्स पढ़ा रही है, क्योंकि बच्चों जेनेटिक्स है ही इतना इंपॉर्टेंट. इसके बाद मैं एवोल्यूशन और इकोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ अलॉन्ग विद सुपर हाई फाई एमसीक्यूज डन, और वहां हम प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं आज की सुपर धमाकेदार और सुपर कूल क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ नहीं है. हमने सबसे पहले की क्लास में रेप्लिकेशन पढ़ लिया है. हमें पता है डीएनए अपनी कॉपीज बना सकता है, जिसको हमने रेप्लिकेशन का नाम दे दिया है. करेक्ट. उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, दैट मींस एक पार्ट ऑफ डीएनए से मैं आरएनए बना लूंगी. पूरे डीएनए का आरएनए नहीं बनाऊंगी, अ पार्ट ऑफ द डीएनए आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू आरएनए, व्हिच आल्सो वी हैव स्टडीड इन डिटेल. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो अ पार्ट ऑफ द डीएनए आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ आरएनए, दैट आल्सो आई हैव स्टडीड. कौन से पार्ट को कन्वर्ट करूंगी? बट ऑब्वियसली उस पार्ट को कन्वर्ट करूंगी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो दैट इज द पार्ट विच आई एम गोइंग टू ओपन, देयरफॉर इट इज नॉट गोइंग टू बी द कंप्लीट डीएनए. मुझे ये भी पता है कि डीएनए में बहुत सारी अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. सो दिस अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन्स. सो दैट ऑल्सो आई हैव डन. आई नो दिस अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन विच इज इन द पार्ट ऑफ इंट्रॉन्स एंड द वॉन्टेड इन्फॉर्मेशन विच इज इन द पार्ट ऑफ एक्सॉन्स. तो इसको भी मैंने अलग कर लिया है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कर लिया, स्प्लाइसिंग कर लिया है. तो मेरे पास आज की क्लास में एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कंप्लीट आरएनए तैयार है, व्हिच हैज पोलैरिटी फॉर 5' टू 3'. इसके अलावा मैंने आरआरएनए बनाया था, आरआरएनए से तैयार है मेरे पास राइबोसोम्स. यस और नो? कम ऑन गाइस, शो सम जोश. यस और नो? मेरे पास आरएनए भी तैयार है, मेरे पास राइबोसोमल आरएनए तैयार है, टीआरएनए तैयार है और एमआरएनए तैयार है. यस और नो गाइस? Understanding? Come on, write yes in the comment section so that I know. Yes, so I'm sure everybody is understanding. ये तीनों चीजें मेरे पास तैयार हैं. Yes, come on. So अब मैंने क्या करना है? अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, इस RNA के ऊपर जो मेरे पास messenger RNA है, जो message लेकर आया है from the DNA कि मेरे को कौन सा काम करना है, इसके ऊपर मुझे protein synthesis करना है, जो मैं आपको आज की class पे कराऊंगी, which is nothing but trans. Translation. Any doubts till now? I'm reading your comments. Any doubts till now? Done? Perfect. तो मेरे पास एक mRNA भी तैयार है, मेरे पास एक tRNA भी तैयार है, और tRNA मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में कराया है, आज मैं वहीं से आपको क्लास कराने वाली हूं. Just stay with me and you will be surprised at the amount of information I'm sharing in today's class. So let me start with this is your favorite Vani ma'am. As always, we always begin with this photograph because this photograph tells me about the love that I keep receiving from students all over the country and sometimes the world. And this is my real wealth. This is our real family which is there, which is studying together. This is our super amazing Telegram group which you need to join, because it is only through this amazing Telegram group that you can join and stay connected with us. And I'm so happy you are all joining our Telegram group in huge numbers. And
This is the micro courses which we have already launched basically. So these are the micro courses जिसमें आप एक बार आकर छोटी छोटी चीजें जो आप भूल जाते हैं, छोटी चीजें जिनमें आपको confusion होते हैं वो learn कर सकते हैं. कोड है इसका VDMIC और ये कोड करके पहले 20% था पर अब आपको 95% ऑफ मिलेगा. 95%. So make sure you are part of this amazing micro course. चलो, so ये है हमारी super amazing family. बाकी लोगों की तरह मैं बहुत time waste नहीं करूँगी, बार बार आपको नहीं बोलूँगी, पर एक बार ज़रूर बोलूँगी because we are working so hard. तो एक like, share, subscribe तो बनता है. So with that, let's start today's amazing class on translation. 24 marks आ सकते हैं NEET 2020 में. 24 marks. कोई छोटे मोटे मार्क्स नहीं है, बहुत ज्यादा है. 24 मार्क्स. सो मेक श्योर आप प्लीज ये ज्वाइन करिए. अब शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन, आज की अमेजिंग क्लास. तो ये बेटा न्यूक्लियस है और इतनी ऑसम क्लास होने वाली है. मत आराम से रिलैक्स करो, एक कप चाय मम्मी को बोलो बना के दे देंगी, साथ में दो बिस्किट रखो, आराम से बैठो. नेक्स्ट 40 मिनट्स में मैं आपको जेम्स बॉन्ड बना दूंगी ट्रांसलेशन का. इतनी अमेजिंग क्लास होने वाली है, इतनी अमेजिंग क्लास, कहीं मत जाना, बस रिलैक्स करके बैठो. डन. तो एक बार चैट देख लेते हैं. मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्लास होने वाली है. इतनी अच्छी क्लास की आपने देखी नहीं होगी. आराम से बैठो, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, मम्मी को बोलो कुछ बढ़िया सा बनाकर देंगी. आराम से रिलैक्स करके बैठो और इंजॉय करो. और प्रॉमिस है मेरा आपसे, ट्रांसलेशन आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसलेशन आज के बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ट्रांसलेशन पे कोई क्वेश्चन अगर आया और आपने गलत कर दिया तो मैं तो अपना नाम नहीं बदलूंगी. मेरा नाम तो वानी ही रहेगा पर आपकी मैं पिटाई जरूर कर दूंगी, ठीक है ना. तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज अमेजिंग क्लास. डन. बफरिंग हो रही है, अभी समझ में आ रहा है? यस, इज इट क्लियर? चलो गाइस, क्लियर है नाउ? फाइन, ठीक है. बीच में अरे हो जाता है, न्यूयॉर्क में नहीं बैठे हैं हम, इंडिया में हैं. कहीं किसी ने कोई नाली खोद दी होगी, फाइबर हिला दिया होगा, बारिश हो रही है, हो जाता है. आराम से बैठो और क्लास एंजॉय करो, ठीक है. तो देखो बेटा, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये आपका न्यूक्लियर पोर है. क्या है आपका? छोटा सा न्यूक्लियर पोर. और देखो ये निकल के आ रहा है, देखो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद होता है, प्लीज एंजॉय करो. और उसमें से निकल कर आ गया साइटोप्लाज्म, पिंक कलर की है ये आरएनए. क्या आपको एक कैप और टेल नजर आ रही है? ये कैप और टेल इसीलिए बनाई है ताकि राइबोसोम इसको आइडेंटिफाई कर सके, और ये कैप और टेल उसकी प्रोटेक्शन के लिए है ताकि कोई भी आके राइबोसोम को बीच में से या एमआरएनए को बीच में से काट ना सके, इसीलिए ये कैप और टेल बनी है. ये जो कैप है और टेल है, कैप बनी है 7-methylguanosine की, टेल बनी है आपके पॉलीएडेनाइलेशन की. तो प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो मैसेज निकल कर आ रहा है, ये देखिए ये मैसेज जो निकल कर आ रहा है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, हेयर बनना है तो मैसेज निकल के आएगा केराटिन का, स्किन बननी है तो मैसेज निकल के आएगा कोलेजन का, हड्डियां बननी है, हाइट बढ़नी है तो मैसेज निकल के आएगा ओसेइन का. प्लीज इन चीजों को ध्यान से सुनिए और याद रखिए. तो प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन में एक एमआरएनए को हम प्रोटीन में बनाते हैं, ये राइबोसोम्स की मदद से बनता है. राइबोसोम्स बने हैं आपके आरआरएनए से. आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो बने हैं वो अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बने हैं. तो अमाइनो एसिड्स को कौन लेकर आएगा? अमाइनो एसिड्स को लाने वाला है ट्रांसफर आरएनए. वो अमाइनो एसिड्स को एमआरएनए के ऊपर ट्रांसफर करेगा, इसीलिए उसका नाम ट्रांसफर आरएनए है. अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है, अमाइनो असाइल याद रखिए, एम्स का क्वेश्चन है. मैंने आपको प्रॉमिस किया है अगले 40 मिनट में आप ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड कर लोगे बहुत डेप्थ में. ध्यान से सुनो, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस टीआरएनए और अमाइनो एसिड को जोड़ेगी. सो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस अमाइनो एसिड और टीआरएनए को जोड़ेगी. ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं. तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में अमेजिंग माइंड मैप्स के थ्रू बताती हूं, ठीक है.
ये देखो देखो तो सही बेटा, ईपीए साइट पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको जेम्स बॉन्ड बना दूंगी, आप समझो तो सही। सबसे पहले ये है आपका टीआरएनए, रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया था, रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया था। लिखो बेटा लिखो, ये सारी चीजें आपको फ्री में इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आराम से बैठो और सुनो। रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया था। टीआरएनए जो होता है वो ऐसा होता है, याद रखना कि टीआरएनए के एक साइड पे हमेशा CAA लगा होता है, CAA क्या लगा होता है, CAA। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एक और बार ध्यान से दिखाती हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि ये ACC लगा है। देखो नीचे से पढ़ोगे तो CAA, ऊपर से पढ़ोगे तो ACC, दिखाई दे रहा है आप सबको? चलो मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, सबको दिखाई दे रहा है ACC लिखा हुआ है, यस। तो ये ACC का फुल फॉर्म आप एक्सेप्टर भी कह सकते हो, प्लीज बच्चों ध्यान से पढ़ो, एक्सेप्टर भी कह सकते हो, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए की एक आर्म पे एसीसी लगा है, मतलब अगर मैं टीआरएनए हूं, मैं ऐसे खड़ी हूं और यहां पे एसीसी लगा है, क्या लगा है यहां पे, एसीसी एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर किसको पकड़ लेगा, ये एक्सेप्टर अमाइनो एसिड को पकड़ लेगा, किसको पकड़ेगा, अमाइनो एसिड को। आप मान लो एयरपोर्ट पे जाते हो, आपके पैर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, आपसे चला नहीं जा रहा, मान लो खुदा ना खासा आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो क्या आपको व्हीलचेयर पे बिठाया जाएगा, बताओ हाँ या ना? यस मैम, व्हीलचेयर पे बिठाकर वो आपको लेकर जाएगा, तो आपको लेकर जाकर वो एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ेगा, तो क्या वो आपको व्हीलचेयर पे बिठा के एयरपोर्ट के अंदर फ्री में छोड़ देगा, बताओ? आपको उसको कुछ टिप देनी पड़ेगी ना, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी तो आप कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट से घर जाना चाहते हो, अच्छी बात करते हैं, चलो आप एयरपोर्ट से घर जाना चाहते हो, अगर आप एयरपोर्ट से घर जाना चाहते हो मुझे बताओ, तो आप टैक्सी में जाओगे, टैक्सी वाले को पैसे देने पड़ेंगे, तभी तो वो आपको छोड़ेगा एयरपोर्ट से घर तक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये जो अमाइनो एसिड है, जब ये टीआरएनए पर लगेगा, जब ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन, और इस साल एम्स का एग्जाम होने वाला है, जब अमाइनो एसिड टीआरएनए पर लगेगा, इस प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं। मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ा रही हूं जितने डिटेल में फ्री क्लासेस में कोई नहीं पढ़ाता, ध्यान से समझिए। इस प्रोसेस के लिए एक एटीपी खर्चा होता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम लगती है, चार्जिंग को करने के लिए एटीपी खर्चा होता है और एक एंजाइम लगती है। क्या नाम है उस एंजाइम का? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एक बार एक अमाइनो एसिड टीआरएनए पे चिपक गया, अब ये अमाइनो एसिड चार्ज हो चुका है, अब ये भागा भागा जाएगा क्योंकि ये चार्ज हो गया है, अब ये भागकर किसके पास जाएगा? अगर यहां पे मीथियोनिन लगा है, प्लीज ध्यान से समझिए, अगर यहां पे मीथियोनिन लग गया है, आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहां पे मीथियोनिन लगा दिया है, मीथियोनिन लग चुका है यहां पे, तो मीथियोनिन का जो एमआरएनए पे कोड होता है, मीथियोनिन का कोड होता है AUG। क्या कोड होता है? AUG। तो एंटीकोडॉन पे क्या लगेगा? UAC, ताकि AUG और UAC बंध जाएं, क्या लगेगा? UAC। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड परफॉर्मेंस एवरीबॉडी, वेरी गुड। बच्चों आज मैं आपको ट्रांसलेशन में जेम्स बॉन्ड बना दूंगी, प्लीज सुनो, राइट? तो सबसे पहला स्टेप, मैंने प्रोटीन खाया, एक एक चीज समझो, मैं 2 घंटे लगा के क्लास लूंगी, पर मैं आपको सबको समझाए बिना क्लास से नहीं जाऊंगी। समझ में आया? क्लास एक्सटेंड होने दो, समझो, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, आपके जीवन का सवाल है, मेरे जीवन का सवाल नहीं है। मैं तो अगले साल और बच्चों को पढ़ाऊंगी, मेरा चैनल तो 50,000 से 80,000 पहुंचने वाला है, मेरे जीवन का सवाल नहीं है, आपके जीवन का सवाल है। समझ में आया? वेदांतु तो बहुत अच्छा कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, सुनिए समझिए जो हम बता रहे हैं आपको। हमने जब खाना खाया तो स्टमक ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया, इंटेस्टाइन ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन्स किस में टूट गए? अमाइनो एसिड में। वो अमाइनो एसिड कहाँ पहुंच गए? वो अमाइनो एसिड पहुंच गए आपके सेल में। वो अमाइनो एसिड कहां पहुंच गए? सेल में। सेल में जाते ही, सेल में जाते ही अमाइनो एसिड को किसने कैच किया? किसने कैच किया अमाइनो एसिड को? किसने कैच किया अमाइनो एसिड को, बताइए? सेल में जाती है अमाइनो एसिड, जो आपने फूड में खाया, जो फूड में अमाइनो एसिड खाया, उसको टीआरएनए ने कैच कर लिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड अमाइनोसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंड एटीपी। तो अमाइनो एसिड जब टीआरएनए पे चिपक जाएगा, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। कहां चिपकेगा? कहीं भी चिपक जाएगा, कहीं भी चिपक जाएगा, कहां चिपकेगा?
चिपकेगा एसीसी आर्म पे, कहां चिपकेगा एसीसी आर्म पे, कहां चिपकेगा एसीसी, थोड़ा ग्लेयर पड़ रहा है मैं ठीक कर दूंगी उस पर टेंशन मत लो, एसीसी आर्म पे। और नीचे क्या बन जाएगा जैसे ही वो अटैच होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझो, नीचे क्या बन जाएगा एंटीकोडॉन, और एमआरएनए पे क्या लगा है, एमआरएनए पे क्या लगा है कोड, तो टीआरएनए पे क्या लग जाएगा एंटीकोड, तो कोड और एंटीकोड कैसे अटैच होता है ऐसे, ये आपका कोड, ये आपका एंटीकोड, दिख रहा है अटैच हो गया, दिख रहा है कोड और एंटीकोड अटैच हो गया, यस, कोड और एंटीकोड कैसे अटैच होता है, कोड एंटीकोड, और ऊपर क्या लगा है, यहां क्या लगा है, क्या लगा है ऊपर, अमाइनो एसिड, क्या लगा है अमाइनो एसिड, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाली हूं, देखो बेटा कोड कौन लेकर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक माइंड मैप बना रही हूं, चलो अपनी कॉपीज खोलो, सब कुछ बाद में कराऊंगी, पहले आपको एक माइंड मैप कराऊंगी, चलो चलो अपनी कॉपीज खोलो, चलो ऐसे पढ़ाना है आपको ताकि आपको एग्जाम में सब कुछ याद आए, पहले आपको एक माइंड मैप कराना है, यहां पे बहुत, आपने स्लाइड्स देखी कितनी अमेजिंग बनी है, स्लाइड्स देखी, ऐसा ट्रांसलेशन आपको कभी भी किसी ने करवाया नहीं होगा जैसा ट्रांसलेशन आप करने वाले हो, सिर्फ पेशेंटली मेरे साथ बैठो, कभी भी आपको किसी ने ऐसा ट्रांसलेशन जमीन कभी भी करवाया नहीं होगा और ना कोई करवाएगा, इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता जितने मन से वी बायोटॉनिक आपको पढ़ाता है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये रहा आपका सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ध्यान से समझो, और ये न्यूक्लियस या डीएनए ने एमआरएनए बना दिया, ये एमआरएनए आ गया साइटोप्लाज्म पे, ठीक है, और ये एमआरएनए आपका, ये आपका 5', ये है 3', इसमें हमेशा एक पोलैरिटी होती है, ठीक है, क्लियर है जी, देख लीजिए साइटोप्लाज्म में निकलकर आ गया, ठीक है, ये जैसे ही साइटोप्लाज्म पे आएगा, अब मैं आपको स्टेप 1, 2, 3 करके समझाती हूँ, साइटोप्लाज्म में आ गया, स्टेप नंबर 1, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यस एवरीबॉडी, आज लग रहा है मैं ब्लू आसमान पे मैम खड़े होकर हमें पढ़ा रहे हैं, ओ यस ऐसा लग रहा है, चलो आओ चलो राइट, तो ये आपका एमआरएनए आ गया, जैसे ही आपका एमआरएनए साइटोप्लाज्म पे आएगा, बेटा एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, मैं एक एक चीज समझा समझा के पढ़ाऊंगी, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्या ये ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया फोल्ड हो गया तो कोई काम का रहा या नहीं रहा बताओ, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो, कर दो फोल्ड, कर दो फोल्ड, कर दो, किसी काम का रहा नहीं, तो सबसे पहले एमआरएनए के नीचे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लगनी चाहिए, कौन लगना चाहिए, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्यों लगनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2, क्यों लगनी चाहिए, ताकि वो फोल्ड ना हो, ताकि वो फोल्ड ना हो, इसलिए स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम उसके नीचे लगनी चाहिए, समझ में आया। अब यहां पे कोड होगा, कोड ये रहा आपका, तो अब लग जाना चाहिए आकर टीआरएनए, कोड के हिसाब से अब कौन लग जाना चाहिए आकर टीआरएनए, दिख गया आपको टीआरएनए आकर लग गया, और फिर थर्ड स्टेप, फिर लग जाना चाहिए फोर्थ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आया समझ में, आया समझ में, तो सबसे पहले एमआरएनए निकलकर आएगा साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए पे अटैच होगा, सबसे पहले एमआरएनए निकलकर आया, एमआरएनए पे अटैच होगा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ताकि वो फोल्ड ना, उसको नीचे से पकड़ लिया, अब हिलके बता बच्चू, वो ऐसे ऐसे करेगा, हिलने की कोशिश करेगा, कहेगा अब हिलके बता बच्चू, तेरे को मैंने पकड़ लिया, जकड़ लिया अच्छे से तेरे को, आई एम हेल्ड यू टाइट, आई एम होल्डिंग यू फ्रॉम द बैक, आई एम नॉट लेटिंग यू गो, नीचे से पकड़ लिया, अब लग गया टीआरएनए, फिर लग गया लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये जब एमआरएनए आता है और इस पे सब यूनिट लगती है, इन सब यूनिट्स में नाम होते हैं, एग्जिट पेप्टिडिल अमाइनोसाइल, अमाइनोसाइल सब यूनिट, नीचे वाली सब यूनिट में नाम है, दिखाई दे रहा है आपको ई पी ए, आप मान लो, आप मान लो, ये देखो मैंने एक एक प्रॉप रखा है आज क्लास में, ये देखो ये खाली डब्बा है,
ये खाली डब्बा है, दिख रहा है आपको खाली? क्या करते हैं हम खाली डब्बों के साथ, क्या करते हैं हम खाली डब्बों के साथ? डू वी थ्रो देम? यस और नो? यस। तो जब टीआरएनए आया, टीआरएनए एक अमाइनो एसिड के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? अमाइनो एसिड के साथ। जब अमाइनो एसिड यहां दे दिया, तो टीआरएनए क्या हो जाएगा? एम्प्टी। तो खाली टीआरएनए की जाने की साइट, एग्जिट ऑफ टीआरएनए। अब मैं आपको इतने अच्छे वीडियोस और ग्राफिक्स दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाओगे। दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है बताओ? ट्रैश आउट इज एग्जिट। दो अमाइनो एसिड के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो बनता है पेप्टिडिल साइट में। मैं आपको एक एंजाइम का नाम लिख रही हूं, लिखो, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, और नए अमाइनो एसिड एक के बाद एक एंड में आएगा यूएए, यूएजी, यूजीए, गयो, गॉन, एम्बल, ओपल, ओशर, नॉनसेंस कोड, वो आएगा एंड में। कहां आएगा? एंड में। उससे पहले हर बार नया अमाइनो एसिड आएगा अमाइनो एसिड साइड में, दो के बीच में बॉन्ड बनेंगे पेप्टिडिल साइट में, और खाली होकर जाएगा एग्जिट साइट से। सबसे पहले एमआरएनए आएगा, नीचे लगेगा स्मॉल सब यूनिट, ऊपर लगेगा टीआरएनए और ढक्कन बंद, लार्ज सब यूनिट। एमआरएनए, स्मॉल ढक्कन, टीआरएनए और बड़ा ढक्कन बंद। समझ में आया? खाली टीआरएनए, एग्जिट साइट, दो के बीच में बॉन्ड पेप्टिडिल साइट, और नया अमाइनो एसिड अमाइनो। इसमें एक छोटी सी गलती ये है कि पहला अमाइनो एसिड, सिर्फ फर्स्ट अमाइनो एसिड लगता है पी साइट पे। बच्चा है ना, अभी काम शुरू हो रहा है, उसको पता नहीं है पहला अमाइनो, और उसके बाद के लेटर ऑल कम टू ए साइट। ई साइट इज फॉर एग्जिट ऑफ अमाइनो एसिड, और दो अमाइनो एसिड के बॉन्ड की साइट क्या है? पी साइट। क्लियर? चलो, तो अब हमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है, अब हम ये प्रोसेस डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड कम्स टू पी साइट, ये कम से कम 100 बार एमसीक्यू में आ चुका है। अब हमें इनका प्रोसेस क्लियर हो चुका है, अब हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्लाइड्स तो देखो, जरा देखो तो सही, कितनी अमेजिंग स्लाइड्स हैं। दो के बीच में बॉन्ड बनेगा, शिफ्ट करेगा। यस, ये देखो, यस एवरीबॉडी, ये देखो फिर से, राइट? तो मैं अभी आपको डिटेल सब कुछ कराने वाली हूं। ये देखो कैसे एक एक करके लगा, देखो, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? खूबसूरत ऐसी चीज बताने वाली हूं कि कभी भी नहीं भूलेगा, 100% एमसीक्यू क्लियर होने वाले। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद हम इनिशिएट करेंगे। देखो एमआरएनए पे स्मॉल सब यूनिट लग रही है, टीआरएनए आ गया, लार्ज सब यूनिट लग रही है, इलोंगेट, देखो कैसे इलोंगेट हो रहा है, देखो कैसे कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, और देखो खाली निकल रहा है, देखो निकला खाली, देखो लेकर आ रहा है खाली निकल रहा है, लेकर आ रहा है खाली निकल रहा है, लेकर आ रहा है, और फाइनली टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तब होगा जब एम्बल, ओपल, ओशर आएगा। इज दैट क्लियर? मस्त स्लाइड्स बनी है, कहीं मत जाइएगा, सिर्फ आपके फायदे की बात है। मैं तो ये 100 बार ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, 50,000 बार और पढ़ाऊंगी, बट ओनली फॉर यू। चलो, सो कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, क्या क्या चाहिए? क्या आपको इसका 3D ग्राफ सा फिगर नजर आ रहा है? ये देखो, यस, ये देखो, ये ऊपर कौन सा ये आर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड जहां लगेगा, ये कहलाएगी आपकी एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म ऊपर, एक्सेप्टर आर्म, इज दैट क्लियर? और ये क्या है आपका? एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन। आया समझ में आया? ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यस, ये आपका टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए।
सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए, हमें 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स चाहिए. 20 अमाइनो एसिड्स के लिए गैमो नाम के साइंटिस्ट ने हमें 64 कोड दिए हैं. कितने कोड दिए? 64, जिसकी वजह से आपको पता है यूनिवर्सैलिटी, डीजेनरेसी, नॉन स्टॉप वगैरह सब कुछ मैंने आपको कल करवा दिया है. मुझे mRNA चाहिए जो कोडेड इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा. मुझे क्या चाहिए? mRNA जो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा. और मुझे tRNA चाहिए जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेंगे. तो मेरे पास mRNA, अमाइनो एसिड और tRNA तैयार है. बच्चों, आप लोग, कुछ बच्चे लेट आ रहे हो, प्लीज इससे अच्छा ट्रांसलेशन आपको कहीं समझ में नहीं आएगा. Stay tuned to the class. This is very important from MCQ point of view. Chalo. So let's go ahead. मैं आपको first step करवा चुकी हूँ. Charging, initiation, elongation, termination. आपको पता है. अब मैं आपको बता दिया है कौन कौन से components चाहिए. अब एक एक करके पूरा process detail में discuss करते हैं. चलिए. राइबोसोम्स, ये आपको दिख रहा है? ये असली की 3D फोटो है. देखो, असली की 3D फोटो है. क्या आपको ये नजर आ रहा है? ये इस पे लास्ट टू लास्ट ईयर नीट का MCQ आया है. ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये बताओ क्या है? ये ग्रूव है. ग्रूव खड्डा, ग्रूव है. समझ में आया? यस. ग्रूव, इस ग्रूव में क्या लगेगा? इस खड्डे में क्या लगेगा? इस ग्रूव में क्या लगेगा? mRNA. पोजीशन पूछी थी कि mRNA आकर कहां लगेगा. mRNA लगेगा ग्रूव में. सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज एक एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को tRNA से जोड़ देती है. राइट. ये क्वेश्चन हजार बार MCQ में आ चुका है, हजार बार. ये बड़ी स्पेसिफिक है फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एंड देयर tRNA. सो एक अमाइनो एसिड एक tRNA से चिपक जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटिस. अमाइनो असाइल और tRNA की इसने शादी कर दी. स्वाहा. डन एवरीबडी. सो अमाइनो एसिड एंड tRNA ने क्या कहा एक दूसरे को? कबूल है. अमाइनो एसिड और tRNA ने क्या कहा एक दूसरे को? कबूल है. किसने करवाया कबूल है? किसने करवाया कबूल है? tRNA सिंथेटेज. अमाइनो असाइल, tRNA सिंथेटेज. चलिए, चार्जिंग ऑफ tRNA. इस क्वेश्चन पे MCQ 100% आएगा. एनर्जी चाहिए, ATP. MCQ क्वेश्चन है. अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है जिसके लिए एनर्जी चाहिए, फिर वो जाके tRNA पे अटैच हो जाता है. एंजाइम का नाम होता है अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज. ये देखो ATP आएगा, ATP इधर लगेगा, यूज हो गया. देखिए, एक फॉस्फेट इधर है और दो रिलीज हो गए, तो मतलब ATP से IP प्लस DP बन गया, ये यूज हो गया. ठीक है, मोनोफॉस्फेट रिलीज हो गया. और ये देखो tRNA लगा. देखो पहले ये ATP क्या लेकर आ रहा है? ये क्या है? अमाइनो एसिड. अब कौन आकर लगा? tRNA. और tRNA किसको लेकर जा रहा है? tRNA किसको लेकर जा रहा है? कबूल है करने के बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. सो आप इसको शाहरुख खान मान लो, इसको मान लीजिए आप काजोल, और ये है अमरीश पुरी जो मान चुके हैं. जा सिमरन जा, जीले अपनी जिंदगी. करेक्ट. तो ये देखिए चार्ज tRNA लेकर चला गया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबडी? अंडरस्टूड? अभी कभी मत भूलना, अमरीश पुरी चाहिए होता है, वही काजोल का हाथ छोड़ता है तो काजोल भाग के ट्रेन पकड़ लेती है. डन एवरीबडी. दिस इज वेरी सिंपल. इससे ज्यादा लल्लू कमेंट्स के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा सकती हूं. यस. चलो, अभी ये मजाक आपके साथ इसलिए किया गया था ताकि आपको ATP याद रहे. ATP के ऊपर assertion reason आएंगे, ATP के ऊपर MCQs आएंगे. सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द हेल्प ऑफ ATP यू जॉइन द अमाइनो एसिड टू द tRNA. यू नीड अ स्पेसिफिक एंजाइम फॉर इट. द स्पेसिफिक एंजाइम इज अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटिस. शाहरुख खान ट्रेन में होता है, सिमरन का हाथ पापा ने पकड़ा होता है, फिर वो हाथ छोड़ते हैं, फिर वो भाग जाता है. तो ट्रेन हो गई आपकी अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटिस, शाहरुख खान हो गया आपका tRNA, अमाइनो एसिड हो गई काजोल. राइट. और अमाइनो एसिड और tRNA जुड़ गया. डन एवरीबडी. चलिए,
सो अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़े से प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. उन प्रोटीन्स का नाम होता है इनिशिएशन फैक्टर्स. इनिशिएशन फैक्टर्स एमआरएनए और राइबोसोम को जुड़वाते हैं. तो ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द राइबोसोम टू ज्वाइन विद द एमआरएनए. इनिशिएशन फैक्टर्स टेम्परेरली रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए. एमआरएनए पे जो इनिशिएटर कोडॉन है, हमें पता होना चाहिए ना. आपको पता है एयूजी के बिना काम शुरू नहीं होता. यहां मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. एयूजी जो है वो मिथियोनिन का कोड है. किसका कोड है आपको पता होना चाहिए, मिथियोनिन का कोड. और वो काम शुरू करवाता है, इसी को इनिशिएशन फैक्टर्स पहचानते हैं. बाई चांस एयूजी नहीं है, बाई चांस एयूजी नहीं है. तो अगर एयूजी नहीं है तो कोड आ सकता है जीयूजी. जीयूजी वैसे तो फॉर्माइल यस वैलिन का कोड है, पर अगर जीयूजी शुरू में लगाओ, स्टार्ट में लगाओ, एयूजी की जगह अगर जीयूजी स्टार्ट में लगाओ, तो ये बनवा लेता है फॉर्माइल मिथियोनिन. क्या बनवा लेता है? फॉर्माइल मिथियोनिन. और काम जो है वो स्टार्ट करवा देता है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? काम स्टार्ट करवा देगा स्मॉल राइबोसोम. सो सबसे पहले आपका एमआरएनए आ गया, एमआरएनए पे इनिशिएशन फैक्टर्स लग गए. सबसे पहले एमआरएनए, फिर आया आपका स्मॉल सब यूनिट, देखो स्मॉल सब यूनिट, फिर आया आपका टीआरएनए, क्या ये फॉर्माइल मिथियोनिन लेकर आ रहा है, और फिर आ गया आपका लार्ज सब यूनिट. सो 30S आएगा पहले, फिर टीआरएनए, फिर लार्ज सब यूनिट. अगर एयूजी नहीं है, अगर एयूजी नहीं है तो जीयूजी भी काम शुरू करवा सकता है. जीयूजी फॉर्माइल मिथियोनिन है, एफ मेट. मैंने स्पेशली डायग्राम में एफ मेट लिखा है, एफ मेट. तो स्मॉल सब यूनिट आपका 30S है और लार्ज सब यूनिट आपका 50S है. एक बार ये असेंबल हो गया तो आपका काम शुरू हो जाएगा. प्लीज फॉर्माइल मिथियोनिन को मत भूलिएगा. आपको इतने डिटेल में इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, प्लीज फॉर्माइल मिथियोनिन को मत भूलिएगा. सो ये आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो गया. स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट सबसे पहले एमआरएनए पे चिपक जाएगी. मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूं, ये रहा आपका प्यारा सा सुंदर सा एमआरएनए, ये रहा आपका स्टार्ट कोडॉन एयूजी, उस पे चिपक गया आपका अमाइनो एसिड मिथियोनिन. तो सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होगी, इनिशिएटर टीआरएनए आएगा. ये क्या आपको पता है, मैंने तीन साइट्स बताई हैं. क्या है वो तीन साइट्स? EPA. अमाइनो एसिड कहां लगना चाहिए? कहां लगना चाहिए अमाइनो एसिड? ए साइट पे. पर हमेशा सिर्फ फर्स्ट अमाइनो एसिड किस पे लगेगा? पी साइट पे. पी साइट पे अमाइनो एसिड लगेगा. ऊपर से टीआरएनए आ गया मिथियोनिन लेकर. फर्स्ट स्टेप एमआरएनए आया, सेकंड स्टेप स्मॉल सब यूनिट लगी, थर्ड स्टेप टीआरएनए आया पी साइट पे, फोर्थ स्टेप लार्ज सब यूनिट आ गई. देखो इधर किस पे लगाए मिथियोनिन, किस पे लगाए देख के बताओ, किस पे लगाए मिथियोनिन, किस पे लगाए मिथियोनिन? पी साइट. भूलना मत, पहला ओनली फर्स्ट, सेकंड टिल एंड. टिल एंड किस पे है? डन. ए साइट पे. डन. कम ऑन. ए साइट पे. अब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट कंप्लीट द राइबोसोम, इनिशिएटर टीआरएनए ऑक्यूपाई कर लिया पी साइट. इनिशिएटर, इनिशिएटर ने ऑक्यूपाई कर लिया पी साइट. ए साइट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट टीआरएनए. अब अगला किस पे लगेगा? सेकेंड टिल एंड. ए साइट पे लगेगा. देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए, कल ये स्नैपशॉट ले लीजिए. चलिए प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. और आरएनए की पोलैरिटी देख रहे हो? आरएनए की पोलैरिटी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बताओ? आरएनए कहां है? 5-2-3. आरएनए की पोलैरिटी कहां है? 5-2-3. गुड बच्चों, वेरी गुड. मैम इज वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. तो आपको आरएनए में दिख रहा है पोलैरिटी है 5-2-3. स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है. तीन स्टॉप कोडॉन बनाए मैंने. UAA चमकते चमकते, UAA, UAG, UGA, तीन. एम्बल ओपल ओशर. पहला किस पे लगा? पी पे. दूसरा किस पे आ रहा है? ए पे. देखो आ गया, आ गया. देखो जरा, देखो. यस. अब ये इस पे चिपक गया ए पे, खाली होके यहां से निकल जाएगा. समझ में आया? यस. मेंटी आने वाला है. मेंटी तो आज का कमाल का मेंटी है, प्लीज कहीं मत जाइएगा. ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन है शुरू में, मिथियोनिन लग गया,
ठीक है, पहला किस पे लग गया, पूरा असेंबली तैयार हो गई, तो एपीई साइट है, ईच साइट के ऊपर एक ही टीआरएनए लग सकता है, एक ही टीआरएनए, ऐसा नहीं है पांच पांच टीआरएनए लगा दोगे, एक साइट पे एक एक टीआरएनए लग रहा है, स्टार्ट एयूजी एंड। अब मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज बताऊं, बड़ी कमाल की चीज बताऊं, लाइक बहुत ही ज्यादा कमाल की, बताओ रेडी। मान लो ये आपका लार्ज सब यूनिट है और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, दिख रहा है, दो सब यूनिट दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं? ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता, इनके बीच में ये धागा डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, रुको रुको। तो आपको ये दो सब यूनिट दिख गई, ये दोनों सब यूनिट दिख गई, मान लो ये दो सब यूनिट है, और इनके जो बीच में है ना, ये mRNA है, ये mRNA है, दिख गया? तो आप इसको बाहर खींचो, मतलब ध्यान से सुनो, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है ना, और बीच में mRNA है, आप इसको धागे को खींचो, समझ में आया? मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से, आप इसको ऐसे पुल करो, चलो कोशिश करो, इसको पुल करो पुल, कोशिश करो, तो क्या ये शिफ्ट होता रहेगा? खींचो ना, इसको खींचो, इसके ऊपर आप एक ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, और ये यहां पे ऐसे लगा दो, इस धागे को खींचो, चलो खींचो धागे को, फाइनली खींचो धागे को, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी फाइनली ये नॉनसेंस कोडॉन आ जाएंगे ए साइट पे, ये ईपीए, अब इस धागे को खींचो, चलो धागा खींचो, चलो खींचो धागा, इस ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ धागा खींचो, चलो ऊपर वाला ऐसे, तो फाइनली आपका स्टॉप कोडॉन आ जाएगा इधर, जब आपके ए पे स्टॉप कोडॉन आएगा, शिफ्ट होगा ना धागा, जब आपके ए पे स्टॉप कोडॉन आएगा तो काम रुक जाएगा, दैट इज टर्मिनेशन, धागा खींचना इलोंगेशन, ए पे स्टॉप कोडॉन आना टर्मिनेशन, चलो दिखते हैं, राइट right? तो इनिशिएशन आपने समझ लिया, टी साइट पे डायग्राम तो देखो कितना सुंदर है, मेंटिक्विज आने वाला है, सो एयूजी ने स्टार्ट कर दिया पी साइट पे, एयूजी मिथियोनिन का कोड है, इनिशिएशन हो गया, एनी डाउट्स? कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई डाउट? कम ऑन, क्रिस्टल क्लियर, मलाई मक्खन बटर सब क्लियर, यस, अब आ जाओ आगे, चलो इलोंगेशन, द फर्स्ट टीआरएनए जो है वो पी साइट पे है, सेकंड वाला लग गया ए साइट पे, पी और ए के दो हैं, अब दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है, खुद ही बताओ, यस नो, मैं चलो चैट पढ़ रही हूं, दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है या नहीं, बताओ बन सकता है, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, कहां होती है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पी साइट पे, तो ए वाला कहां आ जाएगा, ए वाला कहां आ जाएगा, पी पे आ जाएगा, यस, ए वाला कहां आ जाएगा, पी पे, ये खाली होके निकला, ए वाला पी पे, और ए साइट क्या हो जाएगी, ए साइट विल बी एम्प्टी, दिखाती हूं अभी, ये देखो दिख रहा है, तो ये अमाइनो एसिड कहां बनते जा रहे हैं, बताओ ये अमाइनो एसिड कहां बनते जा रहे हैं, क्या अमाइनो एसिड पी साइट पे बन रहे हैं, एम्प्टी टीआरएनए टी साइट से निकल रहे हैं, एम्प्टी टीआरएनए ई साइट से निकल रहे हैं, और ए साइट खाली हो गई, एम्प्टी हो गई, बार बार एम्प्टी क्यों हो गई, एम्प्टी फॉर नेक्स्ट अमाइनो एसिड,
आया समझ में फॉर नेक्स्ट अमाइनो एसिड. नरेंद्र गुप्ता जी, अमर ज्योति, कीरो, सुषमा, पवन, साधना, तन्वी, एवरीबडी, श्रुति, साकिर, त्रिशाला, जानवी, बारिया, आई वॉज सो हैप्पी टू सी यू इन द क्लास जानवी यस्टरडे, शिखा, इज दैट क्लियर? सो ई साइड से खाली टीआरएनए निकलते जा रहे हैं, इलोंगेशन पी साइड पे होती जा रही है और नेक्स्ट 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 ए, फाइनली ए पे क्या आएगा? फाइनली धागा खींचिए, धागा खींचिए, खींचो धागा, खींचो. फाइनली क्या आएगा? फाइनली कभी ए साइड पे यू ए ए आ सकता है, यू ए जी आ सकता है या यू जी ए आ सकता है? फाइनली आ सकता है या नहीं आ सकता बताओ? आएगा? हाय अमन, स्टॉप कोडॉन, तो काम रुक जाएगा. टीआरएनए जो ए साइट पे था वो मूव कर जाएगा पी साइट पे, ए साइट बार बार एम्प्टी हो जाएगी, ए साइट एम्प्टी हो जाएगी, दोनों के बीच में अमाइनो एसिड्स, दो 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 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा. द रेट एट विच दिस रिएक्शन अकर्स इज अमेजिंग. राइबोसोम्स में रीड अप टू 6 कोडॉन्स पर सेकेंड. धागा इतनी जल्दी मूव करता है दैट वी कैन रीड अप टू 6 कोडॉन्स पर सेकेंड. एनी डाउट्स? लुक एट दिस. यस, देखिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नए लगते जा रहे हैं. देखो, यस, ये इधर आया, ये इधर जंप करेगा, ये खाली इधर जाएगा. देखो ये देखो, ये चेन इधर आएगी, दिख रहा है? एक सेकंड के लिए चेन इधर आएगी, एक सेकंड के लिए चेन इधर आएगी, ये खाली इधर जाएगा और ये इधर आएगा. एक सेकंड के लिए चेन उधर जाएगी. समझ में आया? बताओ, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूं. आया समझ में? थैंक यू मिली मिरानी, थैंक यू. क्या बात है, मजा आया, मजा आया. एक सेकंड के लिए चेन इधर जाएगी, ये खाली, इसको भेजो, वैलिन को भेजो. ये खाली हो गया ना, ये देखो खाली हुआ, देखो हुआ खाली. अब ये खाली किधर आएगा? निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल जाएगा. समझ में आया? देखो जरा, यस, हु पुल्स द एमआरएनए? राइबोसोम मूव करता है ना, कोई धागा नहीं खींचता. मैं नहीं हूं उधर धागा खींचने के लिए, कोई धागा नहीं खींचता. राइबोसोम ऐसे जाता रहता है ना, आगे 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 आगे, तो धागा निकलता रहता है इधर 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 इधर. सिंपल, समझो समझो चीजों को. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती जाएगी, ये खाली, अब ये इधर आएगा तो वो खाली होगा और नया अमाइनो एसिड ए पर आ जाएगा. डन. ये देखो, फिर वो जंप करके इधर, अब फाइनली इधर क्या आ गया? यू जी ए, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए, यू ए ए. अभी आने वाले मेंटी, यू जी ए, यू ए जी, इन पे कोई भी टीआरएनए अटैच नहीं होता, इन पे कोई भी टीआरएनए अटैच नहीं होता, तो ये रिलीज कर देते हैं. अब छोटा सब यूनिट अपने रास्ते, बड़ा सब यूनिट अपने रास्ते और अमाइनो एसिड अपने रास्ते. अमाइनो एसिड का चेन क्या है? ये अभी तक, ये अभी पूरा बना नहीं है, ये अभी रॉ चेन है, रॉ चेन. इसकी मॉडिफिकेशन होनी है. प्रोटीन चेन की क्या होनी है? मॉडिफिकेशन. अब समझो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बन गया है. समझो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बन गया है, तो मॉडिफिकेशन के लिए कहां जाएगा? कहां जाएगा? गॉल्जी अपैरेटस. याद करो सिस फेस ट्रांसफेस, याद करो सिस फेस ट्रांसफेस, याद करो, तो वो गॉल्जी अपैरेटस में जाएगा. टर्मिनेशन हो जाएगा जब राइबोसोम अलग हो जाएंगे, क्योंकि यूए, यूएजी, यूजी आ गया है. रिलीज फैक्टर्स हो जाएंगे और रिलीज फैक्टर की वजह से काम रुक जाएगा. रिलीज फैक्टर्स यूए, यूएजी और यूजीए पे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं लगता. ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी. देखो रिलीज फैक्टर, कितनी ऑसम स्लाइड्स है, वीडियो देखना, मजा आ जाएगा. अभी वीडियो देखना थोड़ी देर में. ये देखो, लार्ज सब यूनिट अलग, स्मॉल सब यूनिट अलग, कोडॉन खत्म और ये चला गया आपके गॉल्जी अपैरेटस में. रिलीज हो गया, राइबोसोमल सब यूनिट डिसोसिएट हो गई, राइट, हाइड्रोलाइज कर दिया रिलीज फैक्टर ने, सारा काम खत्म. रिलीज फैक्टर ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, अपने अपने रास्ते, सब कुछ खत्म.
डन, ब्रेकअप हो गया. इज दैट क्लियर? टर्मिनेशन. रिलीज फैक्टर्स डिसअसेंबली करवाते हैं. डिसअसेंबली, डिसअसेंबली का मतलब क्या है? डिसोसिएशन, मतलब लार्ज सब यूनिट अलग, स्मॉल सब यूनिट अलग. अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसको फोल्ड करना है. मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी फोल्ड्स करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? ताकि वो फंक्शनल बन सके. क्वार्टरनरी फोल्ड्स, हीमोग्लोबिन, ताकि प्रोटीन किसी काम का हो सके. फोल्ड होने कहाँ जाएंगे? गॉल्जी अपैरेटस. कहाँ जाएंगे? गॉल्जी अपैरेटस. चलो, दो मिनट में मेंटी क्विज स्टार्ट होने वाला है, प्लीज स्टे ट्यून्ड. डन, अब एक वीडियो करा दूं. टडन 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 टडन, वीडियो कराया जाए? यस और नो, समझ में आया? बताइए. यस, चलो तो अभी वीडियो कराते हैं. ये देखिए, बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है? आपने खाना खाया, देखो प्रोटीन मिले आपको खाने से, वो प्रोटीन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए. वो कहाँ गए प्रोटीन्स? एब्जॉर्ब किए विलाय ने. यस, कहाँ गए वो एब्जॉर्ब होने के बाद? बताओ कहाँ गए? आपके सेल तक पहुंचे. तो हमने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया, विलाय ने एब्जॉर्ब किया, हवा से नहीं मिला प्रोटीन. कितनी डिटेल में आपको समझाया जा रहा है. यस, ये देखिए, तो फाइनली आपके डीएनए ने देखा ये प्रोटीन आया है. तो डीएनए ने देखा, ओ ये वाला प्रोटीन आया, चलो कुछ काम करते हैं. तो जीन ने क्या बना लिया? आरएनए. पूरे डीएनए का देखो इतना ही जीन का क्या बनेगा? आरएनए. प्रमोटर टर्मिनेटर कल पढ़ाया है मैंने आपको. सिग्मा रो, नहीं देखा देख कर आओ. सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर. तो इसने क्या बना दिया सिग्मा और रो की मदद से? कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डिटेल में बच्चों. यस, ये डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है. क्या बनाएगा ये? आरएनए. देखो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आपके न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होगा आगे चल के साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन होगा इन द न्यूक्लियस. देखो कैसे लग रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, एमआरएनए तैयार हो रहा है. ट्रांसलेशन होगा आपके साइटोप्लाज्म में, अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं. कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, एप्रिशिएट करो प्लीज, इस बात को एप्रिशिएट करो. डन. सो डीएनए से आपने आरएनए बनाया, आरएनए ने आपके लिए जाके प्रोटीन्स बनाया. डीएनए आएगा, आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए बनेगा. आरएनए पॉलीमरेज कहां लगेगी? टाटा बॉक्स पे. आरएनए पॉलीमरेज कहां लगेगी? टाटा बॉक्स पे लगेगी. टाटा बॉक्स, प्रमोटर रीजन, एटी रिच रीजन, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जा रही है बच्चों. यस, कहां लगेगी? ये देखो, यस, एटी रिच रीजन टाटा बॉक्स पे लगेगा, प्रिबनो बॉक्स, टाटा बॉक्स. यस, ये देखो, अब देखो कैसे कैसे लगेगा वो. पहले प्राइमर लगेगा, फिर लग गया. यस, देखिए. यस, कैन यू सी द यू फोकस्ड हियर? यू एटीजीसी के लिए. यस, वेरी गुड. देखो निकल के कौन रेडी हो गया आपका? कौन रेडी हो गया? एमआरएनए. एमआरएनए को क्या करोगे अभी? मॉडिफाई. इंट्रॉन्स को क्या करोगे? निकालोगे. एक्सॉन्स को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे. ज्वाइन करोगे. यस, तो आप क्या करोगे इनको? पूरा बता रही हूं बेटा, एक एक चीज दोबारा रिवाइज करवा रही हूं, एक एक चीज आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूं. इंट्रॉन्स को निकालिए, चलिए निकालिए इंट्रॉन्स को. स्नर्प एंजाइम आएगी, इंट्रॉन्स को निकालेगी. चलो कम ऑन, निकालिए इंट्रॉन्स को. यस, पॉलीएडिनाइलेशन करोगे, सेवन मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग करोगे. आ गई स्नर्प, आ गई. देखिए निकालेगी, ये देखिए लाइगेज आएगी अभी. यस, कैपिंग टेलिंग, इज दैट क्लियर? वेरी गुड बच्चों, वेरी. अब निकल के बाहर आया विद अ कैप एंड टेल. अब इस पे कौन लगेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड है, वीडियो देखो तो सही, सिंगल स्ट्रैंडेड है. कौन लगेगा इस पे आके?
टीआरएनए पहले कौन लगेगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। चलो मेंटी करें और देखो कोड, एयूजी पे देखो स्टार्ट कोडॉन लिखा है। चलो स्टार्ट स्टॉप, राइबोसोम लगेगा, आ गया स्मॉल सब यूनिट 30S टीआरएनए, आया टीआरएनए। चलो कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, कम ऑन, इनक्रेडिबल इजंट इट, यस। एयूजी यूएससी अमाइनो एसिड छोड़ के जाएगा पहली साइड पी साइड, है ना अमेजिंग। पुंगोलू नितिका ब्रिस्ती अतिका आतिया जनवी, कम ऑन, इजंट इट अमेजिंग, यस। करो उषा मैम को थैंक यू, करो उषा मैम ने बनाया है, कम ऑन, यस। ये कौन सी साइट है, पी साइट ए साइट, एग्जिट से टीआरएनए चला जाएगा खाली होकर, अगला लग गया ए साइट पे, दोनों के बीच में क्या बनेगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यस। यस और नो गाइस, ये देखो ये खाली हो जाएगा, ई साइड पे आएगा, देखो अभी ये देखो ए साइड खाली हो गई, ये खाली चला जाएगा, अनचार्ज्ड खाली हो गया है, ये गया अगले पे आ जाएगा, अगला फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, देखो ये खाली हो गया, ये देखो धागा दिख गया हिलता हुआ, अब धागा दिख रहा है हिलता हुआ, धागा देखो, धागा देखो, धागा, यस, इज दैट क्लियर। अब बताओ कोई ऐसा समझा सकता है, कहीं पे आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा या नहीं आएगा, अमेजिंग है। ये प्रोटीन बन गया, अब इसका फोल्डिंग होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कहां होगा, गॉल्जी अपैरेटस, यस और नो, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड अगेन, विच विल हैपन इन द गॉल्जी अपैरेटस, यस और नो। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां जा रहा है, गॉल्जी अपैरेटस, आया मजा, और गॉल्जी अपैरेटस से सिस से ट्रांस से क्रिस्टे से मॉडिफाई होकर निकल जाएगा, इज दैट क्लियर, कम ऑन गाइस, यू नीड टू गिव मी अ थम्स अप। देखो इतना ऑसम वीडियो, मुझे नहीं लगता आप कहीं भी समझ पाओगे, ये देखो, यस, आप खुश, यू आर हैप्पी, यस और नो। चलो तो इसी बहाने आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हा तो मेंटी करा दे, यस, मजा आया, पहले बताओ डिड यू एंजॉय, प्लीज बच्चों गला इतना चिल्ला चिल्ला कर आपको समझाना, मजा आया, क्लास का टाइम हो गया आपकी, मोगैम्बो खुश हुआ आज, यस एवरीबडी। तो एक काम करते हैं, मेंटी क्विज कल स्टार्ट करते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है, वैसे भी एक घंटा होने वाला है, तो मेंटी क्विज कल स्टार्ट करते हैं, डन, टुमॉरोज क्लास विल स्टार्ट विद ट्रांसलेशन मेंटी, दिस इज मी एंड दिस इज आर एंटायर टीम, एंड यू नो द कोड VDMIC टू गेट 95% ऑफ, दिस इज द एंटायर टीम, मेक श्योर यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर अमेजिंग चैनल। आज हमने एक घंटे जितनी लंबी मजेदार क्लास ली, यस, टेक केयर बच्चो, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन टुमॉरोज क्लास, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू कम टुमॉरो एट 10 o'clock शार्प, बाय बाय बच्चों।